नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग खुशियां मनाएं, खुशियों का त्योहार है। और उसके बाद देश के हर हिस्से से, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां जहां से जो भी ब्रेकिंग आ रही है और देश का, राजनीति का नैरेटिव क्या सेट हो रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक और इनकाउंटर हुआ उमेश पाल हत्याकांड में, और उस इनकाउंटर में कहा जाता है पुलिस की तरफ से उस्मान, लेकिन वह विजय चौधरी है, क्योंकि विजय चौधरी का पिता ने ही कहा कि मेरे बेटे का नाम विजय चौधरी है और मैं दलित हूं। उसके घर के आगे जो फोटो लिया गया वो डॉक्टर अंबेडकर का फोटो है, भगवान बुद्ध का वहां पे फोटो लगा हुआ है। उसके गाड़ियों के जब फोटो लिए गए तो उस गाड़ी के ऊपर शेरावाली माता का फोटो लगा हुआ, तस्वीर लगा हुआ है, और सब के सब कह रहे हैं कि वह हिंदू है यानी दलित है। तो फिर पुलिस के पास यह खबर कहां से मिल गई कि वह उस्मान है? और मान लेते हैं उस्मान ही हो तो क्या आप धर्म और जाति देखकर इनकाउंटर करते हैं? और फिर इतनी सफाई क्यों? और पुलिस ये भी कहती है कि यह आपराधिक छवि का व्यक्ति था, इसके पहले भी 2 FIR इसके ऊपर हुए हैं। तो उस FIR में क्या नाम है, उस्मान नाम है या विजय चौधरी? यह बहुत बड़ा संशय का विषय बन चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस से गलतियां हुई है तो पीड़ित परिवार को मुआवजा भी चाहिए, माफी भी मांगे। गलतियां हुई है, और गलतियां नहीं हुई है तो ठोस सबूत लेकर मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने पुलिस तंत्र आ जाए। ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश का ब्रेकिंग, जो लेटेस्ट न्यूज है। उसके बाद बिहार में जब CBI के छापे पड़ते हैं लालू यादव के परिवार के ऊपर, और पूरे परिवार को फंसाया जाता है, मामला है 2004 से लेकर 2014 के बीच का, यानी नौकरी के बदले जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार ने लिया, यह आरोप है CBI का। कहने का तात्पर्य कोई मेंबर नहीं बचा है। अगर नीतीश कुमार और लालू यादव मिल गए, महागठबंधन मजबूत हुई है, भाजपा के लिए खतरा है, तो क्यों नहीं लालू परिवार को निवेट दिया जाए, सबको जेल में डाल दिया जाए? ऐसा आरोप लग रहा है विपक्ष के तरफ से, आम जनता के तरफ से, कि यह दुश्मनी साधी जा रही है, CBI और ED का दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरा, भाजपा के नजर में उत्तर प्रदेश में अगर आप दलित कहते हैं तो माइनस जाटव कर दीजिए, यानी जाटव को वो अपना नहीं मानते, क्योंकि जाटव जो है दलित में वो बहन मायावती जी के वोट देते हैं, उनको वोट मानते हैं, ये BJP वालों का अपना मानना है, बाकी दलित हमारे हैं। अगर OBC का बात करें तो माइनस यादव कर दीजिए, यानी यादव जो है वह अखिलेश यादव के हैं, बाकी टोटल OBC हमारी है। बिहार में जो भाजपा का यह मानना है कि अगर दलित आप कहते हैं तो उसमें माइनस पासवान कर दीजिए, क्योंकि पासवान तो चिराग पासवान के साथ जाएंगे और चिराग पासवान भाजपा के साथ जाएंगे, तो बाकी जो दलित है, महादलित और दलित, ये सब के सब नीतीश कुमार लालू यादव जी ले जाएंगे, लेकिन पासवान तो भाजपा के साथ रहे, क्योंकि भाजपा के साथ चिराग पासवान है। इस तरह की थ्योरी सेट किया जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, RJD के नेता यह मान रहे हैं कि क्यों नहीं नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर केंद्र में भेजा जाए और बिहार की राजनीति के ऊपर हम काबिज हो जाए। यह RJD की सोच है, उसको उसी एंगल को लेकर यह चल रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री चेहरा मानेगी? और सबसे बड़ी बात यह है, बहन मायावती जी अगर उत्तर प्रदेश में ताकतवर होती है, रैलियां करती हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर देती हैं 2024
के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो क्या गारंटी है कि भाजपा बहन मायावती जी के तरफ ईडी और सीबीआई को ना छोड़ दे? ये दो तीन जो भूत है केंद्र सरकार का, ये भूत छोड़ देते हैं ताकि उनको आपस में उलझा कर रखे। जेल, कोर्ट, पूछताछ, बहुत तरह की चीजें होती है इसमें। ये विपक्ष के नेता उलझ जाए और भाजपा बिल्कुल क्लीन चिट निकल जाए और ये भी कह दे हम तो निर्विरोध जीतते आ रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह, भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम, सीबीआई, ईडी, पूरा सरकारी तंत्र है जो भाजपा को जिताने के लिए तैयारी करती है। और विपक्ष के पास सीबीआई का डर, ईडी का डर, आपस में मेल जोल नहीं, कोई क्लियर चेहरा नहीं, कोई विकल्प नहीं। भाजपा ने पिछले 8-9 सालों से जो है एक तौर तरीका बना लिया है कि क्यों नहीं विकल्प को ही बर्बाद कर दो ताकि जनता के पास विकल्प ही ना रहे। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने विकल्प में प्रधानमंत्री चेहरा कौन? बहन मायावती जी का नाम लेते हैं तो बहन मायावती जी को भी सीबीआई ईडी का डर होगा जरूर, क्योंकि यह डर जेन्युइन है, लाजमी भी है। क्योंकि अगर लालू परिवार ने साहस किया, महागठबंधन बना लिया, नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिया, तो उनके पीछे सीबीआई है। कहीं कहीं अखिलेश यादव जी को भी डर सता रहा है और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पहले से ही हेराल्ड मामले में जेल में बेल पर है। तो कहने का तात्पर्य यह, विपक्ष को डराकर चुनाव जीतना यह भाजपा का सबसे बड़ा टोटका बन चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा तय होनी चाहिए, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तब हम भाजपा को हरा सकते हैं। कांग्रेस को भी इस बात का डर है कि अगर हम विपक्ष को मजबूत नहीं किए, एक जगह सबको नहीं लाए, तो भाजपा को हराना नामुमकिन है। और भाजपा के पास तमाम सरकारी तंत्र है जो विपक्ष को डैमेज करने के लिए बिल्कुल रेडी है, रेडी टू मूव है। बस आदेश मिलेगा और विपक्ष के नेताओं को उठा लाएंगे। यह आरोप भी है विपक्ष के नेताओं का राजनीति में जो है, वो कहते हैं कि क्या ऐसी बात है कि सभी विपक्ष के नेता ही उठाए जाते हैं, एक भी भाजपा के बड़े नेता को ईडी कभी नहीं उठाती, सीबीआई कभी पूछताछ नहीं करती? क्या सबके सब बिल्कुल ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए हैं? तो हमें भी यही लगता है कि जो बहुजन समाज के नेता है, चाहे उसमें बहन मायावती जी हो अथवा जो कोई नए नेता हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अखिलेश यादव हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अथवा जो भी लोग हैं, सबको कहीं कहीं इस बात का डर जरूर है कि अगर ज्यादा हमने रैलियां कर दी, ज्यादा दबंगई दिखाए, लोकतंत्र की ज्यादा बाहबाही लूटी, तो सीबीआई शाम तक या सुबह तक मेरे दरवाजे पर, मेरे चौखट के सामने आके खड़ी हो जाएगी, या ईडी पहुंच जाएगी और कोई भी स्टोरी बनाकर कुछ दिन के लिए तो हमें बंद कर ही देगी। यह सोच, यही भय विपक्ष को परेशान किए हुए है। आपको क्या लगता है 2024 में क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे और इन्हें प्रधानमंत्री चेहरा विपक्ष बनाएगा? और बनाएगा तो क्या बहन मायावती जी स्टेज पर चढ़कर खुलकर बोल सकती हैं भाजपा के खिलाफ? छोटी मोटी ट्वीट कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब रैलियां निकलेगी, जब विपक्ष एकजुट होगा, तो सत्ता पक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा इन्हें तबाह और बर्बाद करने में। ऐसा पटना का नजारा दिख रहा है लालू परिवार के ऊपर जो सीबीआई के रेड पर है, उससे तो यही महसूस हो रहा है। बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।